हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो में बहुत अच्छा मौसम है। देखिए, बहुत बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। ये सारे बारिश की बूंदे बूंदे हैं सारे ये गाड़ी के शीशे पे, इसलिए इतना क्लियर नजर नहीं था आ रहा। आज बहुत प्यारा मौसम है, अब बस स्वीडन से जो गर्मी है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। यहाँ पे बस एक महीने की ही गर्मी होती है। फ्रेंड्स, आप जितने लोग भी मेरे चैनल पंजाबी स्वीट डिश रंधावा पर न्यू हैं, काइंडली आप मेरे चैनल पंजाबी स्वीट डिश रंधावा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। देखें कितना अच्छा वेदर है और आगे 3-4 दिन जो है वो बारिश ही बताई हुई है, बारिश ही होगी 3-4 दिन तक। यहाँ पे जितनी मर्जी बारिश हो जाए लेकिन पानी खड़ा नहीं होता। यहाँ पे जो सीवरेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे सड़कों पे जरा भी पानी खड़ा नहीं होता। चाहे 24 घंटे भी बारिश न होती रहे लेकिन यहाँ पे आपको पानी सड़कों पे नजर नहीं आएगा। स्वीडन गवर्नमेंट ने इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है, वो ना कभी यहाँ पे घरों में पानी जाएगा और ना सड़कों पे। बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। देखिए, कहीं भी आपको पानी नहीं नजर आ रहा सड़कों पे। ऐसे सड़कें फौरन जो है वो साफ हो जाती हैं। यहाँ पे 4-4 दिन लगातार बारिश होती है लेकिन पानी जो है वो नजर नहीं आता सड़कों पे। ऐसा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। ये हम सारे सिटी में आए हुए हैं। देखिए ना, सिटी में, ये सिटी सेंटर में, सिटी में तो हम खुद ही रहते हैं, सॉरी मैं बोल रही हूँ, हम सिटी में आए हुए हैं। ये सिटी सेंटर में सारे, देखिए कहीं भी आपको जो है वो पानी नहीं नजर आ रहा। पानी साथ साथ ही जो है वो चला जाता है जिधर इन्होंने सारे उसका सिस्टम बनाया हुआ है सीवरेज का। यहाँ पे बारिश भी हो तो लोग घूमते फिरते रहते हैं, घरों में नहीं बैठते। आगे आगे हमारे पास आ रही है, ये जो है बस स्टेशन है इस तरफ। ये शॉपिंग मॉल वगैरह सारे, आज संडे है, मोस्टली बंद है। ये हम खड़े हैं, सारी शॉप्स बंद है संडे की वजह से, और मेरे हस्बैंड किसी काम से गए हैं। कोई कोई शॉप खुली भी है, मोस्टली बंद है। लास्ट 2-3 वीक यहाँ पे इतनी गर्मी थी, 33-34 टेम्परेचर था, और अब एकदम से ही जो है वो चला गया है 14 पे 13 पे।
बस यहाँ पे थोड़े से दिन होते हैं समर के एंजॉयमेंट के लिए, फिर तो वही बारिश, वही सर्दी, वही स्नो, सारा कुछ शुरू हो जाता है। अभी नेक्स्ट मंथ इतनी ज़्यादा फिर और वो शुरू हो जाएगी सर्दी अगस्त में। मैं भी पास जा रही है। ये है जी यूरोप। बहुत ब्यूटीफुल, बारिश फिर तेज हो गई है। ये सारे जो गाड़ी की वो है स्क्रीन है उस पे सारे वो बारिश बारिश हो गई, इसलिए शायद धुंधला नजर आ रहा हो आपको। अच्छी देखभाल करते हैं और इसीलिए यहाँ पे अगर 1 वीक भी लगातार बारिश हो जाए तो सड़कों ऐसे ही होती हैं, कहीं भी नहीं आपको सड़कें डूबी हुई नज़र आएंगी, बिल्कुल भी ऐसे पानी नहीं नज़र आएगा, साथ साथ जो है सारा पानी चला जाता है और कोई मुश्किल दरपेश नहीं होती। यूरोप में इस तरह से इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि जिस डेट तक है उस डेट तक ही फिर ये चेंज कर देते हैं। बड़ा साथ में गार्बेज नहीं फेंकते। हाँ, और यहाँ पे गार्बेज नहीं फेंका जाता है जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती है हमारी कंट्रीज़ में, लोग रैपर वगैरह फेंक देते हैं और फिर पाइप जो है वो बंद हो जाते हैं और फिर पानी जो है सड़कों पे और ऐसे सारा बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पे गार्बेज नहीं फेंका जाता, ये आप देख ही रहे हैं, सारे गार्बेज जो लोग हैं वो बास्केट में ही फेंकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइन किया जाता है जो इस तरह से गार्बेज लोग फेंकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फाइन होता है। कोई फेंकता ही नहीं है, पहली बात तो ये है, सारे एजुकेटेड पीपल होते हैं यहाँ पे, कोई ऐसी हरकत नहीं करता। एजुकेटेड पीपल तो हमारे भी होते हैं लेकिन वहाँ पे ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि बस गार्बेज फेंकते जाओ, रैपर कुछ खाया तो रैपर फेंक दिया सड़क पे, उधर इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सब लोग जो है वो रैपर बास्केट में ही फेंकते हैं और सीवरेज सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा रहता है और जिस डेट तक हो ये फिर वो चेंज कर देते हैं। सारा लिखा होता है, एक फाइल बनती है कि इस डेट को सारे पाइप नए डाले और फिर दोबारा से ऐसे, ये बड़ा अच्छा मेंटेन करते हैं। समर में ये दोबारा से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं गार्बेज कलेक्शन का सिस्टम। हाँ। बहुत अच्छा है। और गार्बेज कलेक्शन की मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी कि कैसे इनका है सिस्टम सारा, वो ज़रूर आप मेरे चैनल पर जब इस वीडियो दावा पे देखिएगा।
हर दिन हर बॉक्स को खाली किया जाता है। हाँ, और मेरे हस्बैंड बता रहे कि हर दिन जो है हर बॉक्स को खाली किया जाता है, जो गार्बेज वाले बॉक्स होते हैं, तो बहुत अच्छा मेंटेन इन्होंने किया हुआ है। आपने सारा मेरे साथ देखा, जहाँ से हम ना आ रहे थे सारे सिटी से, और अभी हम ये सारे रोड पे आपको कहीं भी पानी खड़ा नज़र नहीं आया, ये गुड सीवरेज गार्बेज भी आपको नज़र नहीं आया, और बड़ी नीट एंड क्लीन सारे रोड आपको नज़र आए हैं। ये सारे गुड सीवरेज सिस्टम की वजह से ही हैं और सफाई की वजह से, और सारे यूरोप में इसी तरह से है, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, सारे बहुत नीट एंड क्लीन ये सारी जो कंट्रीज हैं, और हाँ जो स्कैंडिनेविया, सॉरी सारे यूरोप में कह रही हूँ, जो स्कैंडिनेविया कंट्रीज हैं उनमें आपको इसी तरह से नज़र आएगा। ईस्ट यूरोप के लोग देखने आते हैं, हाँ, जो ईस्ट यूरोप के लोग होते हैं वो यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, इधर की सफाई और सारा सिस्टम जो है, और स्कैंडिनेविया जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें सारे इसी तरह से है। स्कैंडिनेविया में स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, और कौन सी है, फिनलैंड है, ये सारी स्कैंडिनेविया कंट्री हैं, और ये रिचेस्ट कंट्री है, और इधर जो है सारे सिस्टम बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आज की यहाँ तक ही थी पंजाबी स्वीडिश दावा की। अभी हम मोटरवे पे हैं और बहुत तेज़ बारिश है, तो मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल पंजाबी स्वीडिश दावा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मिल सके।